नमस्कार। जसवंतगढ़ समीपस्थ ग्राम धोलिया के ग्रामवासियों ने गोवंश के साथ क्रूरता करने का मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी सुमन चौधरी ने बताया कि मामला अज्ञात जनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। लगभग 50 से अधिक ग्रामवासी जसवंतगढ़ पुलिस थाना में पहुंचे तथा जसवंतगढ़ थाना अधिकारी को लिखित रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार लिखा था कि शायर सिंह के खेत में एक मृत सांड तथा 4-5 गोवंश बछड़े, जिनको देखने से लग रहा है कि बेहरमी से पीटा गया है और बबड़तापूर्वक बांध कर खेत में डाल गए हैं, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने जसवंतगढ़ पुलिस थाना में दी। जब हमने ग्रामवासियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। ग्राम धोलिया में गोवंश के साथ और गायों के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए समस्त ग्रामवासी आज जसवंतगढ़ थाना में आए हैं। और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, शर्मनाक हरकत है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी है, वायरल हो रही है और ग्राउंड पर जाकर भी हम लोगों ने देखा है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। मतलब गोवंश का जो चारों पैर रस्सी से बांध करके उसको फांसी दी गई है, उसके बाद में उसको ट्रैक्टर में डाला गया है। फिर गांव धोलिया के पास में जो खेत हैं उनमें फेंक कर चले गए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए समस्त ग्रामवासी जसवंतगढ़ थाने में आए हैं। उचित कार्रवाई की मांग है सभी ग्रामवासियों की। कितने दिन हो गए गायों को डाले हुए? और बरसों की नाइट में वहाँ पे फेंके गए हैं, से लेकर के दो से तीन बजे के बीच में की ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिर कल कार्रवाई की थी क्या आपने? कल वहाँ पे प्रशासन को अवगत करवाया गया था और पुलिस की गाड़ी वहाँ पे गई थी, पुलिस के आदमी भी गए थे वहाँ पर और पूरे घटनाक्रम को देखा वहाँ पे। उसके बाद में उनको एक गड्ढा खुदवा करके जेसीपी से खड्डा खुदवा करके उसको और जमीन के अंदर गड़वा दिया। कितने पशु हैं? 9 गायें जो बताई जा रही है और 2 सांड भी थे, जिनमें से एक सांड तो मौजूदा हालात में वो खत्म हो गया था, जिसको फांसी दी गई थी और उसके चारों पैर बंधे हुए थे। फिर गांव के निवासी साहिर सिंह जी वहां पहुंचे सुबह 8 बजे, तो वहां पे जो गाय जो अधमरी पड़ी हुई थी उसको पानी पिलाया, उसको चारा दिया, लेकिन उसके बाद में वो भी खत्म हो गई। इस हिसाब से 2-3 गायें और एक सांड जो था वो खत्म हो गया और इस मुद्दे को ग्रामवासियों ने आज उठाया है और इसके लिए FIR करवाने के लिए जसवंतगढ़ थाने में आए हैं। उचित कार्रवाई की मांग करते हैं ग्रामवासी। मैं सुबह 8 बजे मेरे खेत में गया, वहाँ एक बैल मरा हुआ मिला और 5-7 गाय स्वस्थ मिला और सभी के पैर बांधे हुए थे, फांसी लगाई हुई थी उन्हें। फिर मैं गांव में सूचना दी, वहाँ से गांव के आदमी आए, सरपंच साहब आए और पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले कल 10 बजे से लगा के अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया।